हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर नैप 1018 यूजी एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, मेजर कोर्स अंडर एनपी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। आप पेपर कोड देख लीजिए, जो आपका टाइमिंग है वो 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 नंबर मिलता है। आपको सभी खंडों को निर्देश हल कीजिए। और आपका जो पेपर में 3 सेक्शन मिलता है, जो पहला सेक्शन मिलता है वो अति लघु का होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलता है और आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको 75 वर्ड में आपको देना होता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को किसने विकसित किया है? सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों को बताइए। थर्ड क्वेश्चन है पुस्तकालय कर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका प्लग या रिजम को परिभाषित कीजिए। 5 क्वेश्चन है चलित पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं। सेक्शन बी आपका या खंड ब है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7.5 नंबर अंक निर्धारित किए गए और आपको कम से कम अधिकतम 200 शब्दों में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अब देखते हैं आपका शॉर्ट का पहला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आपका या शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है आपका पुस्तकालय विधान पद से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। 7th क्वेश्चन है आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों को संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SR रंगनाथन अथवा M गोपीनाथ की जीवनी को संक्षेप में बताइए। सेक्शन सी खंड स है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आपका, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चनों का क्या करना है, उत्तर आपको देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर आपको मिलेंगे। 9th क्वेश्चन है आपका प्रयोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अपने संस्थान में आप प्रयोक्ता शिक्षा को किस प्रकार प्रदान करेंगे। 10th क्वेश्चन है आपका भारत में पुस्तकालय आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। 11th क्वेश्चन है समाज में पुस्तकालय की भूमिका की चर्चा कीजिए। 12th क्वेश्चन है आपका चार्जिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, किसी एक चार्जिंग सिस्टम की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका दीर्घ का, वो पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।